뭐 하지 क्या बकवास पीस है? अगली बार ये तेरा चाइना का मोबाइल बजाना तो तुझे चाइना भेज दूंगा मैं। अरे जमीन हिल जाए, बिजली कड़क जाए, सीजन चेंज हो जाए या सरकार बदल जाए, लेकिन हमारे दोस्त के होते हुए मैं चाइना नहीं जा सकता। महेश, जगदीश। प्रेजेंट सर। हेलो। अबे उठ जा, क्लास चल रही है और सर अटेंडेंस ले रहे हैं, जल्दी आजा, जल्दी आजा। ए तेरा चाइना का स्पीकर स्टार्ट करना। ओके ओके। प्रेम। यस सर। मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। बार देख, वो आ गया। मिस्टर प्रेम, तुम किसी और को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं बना सकते। जाकर बैठो। लास्ट बेंच के स्टूडेंट्स कभी नहीं सुधरेंगे। क्या सर, आप लास्ट बेंच स्टूडेंट्स की इतनी बेइज्जती कर रहे हैं? आज तक हर क्षेत्र में जितने भी कीर्तिमान साबित हुए हैं वो हम जैसे लास्ट बेंच स्टूडेंट्स ही तो हैं। अरे अपने सुपरस्टार बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन जी लास्ट बेंच स्टूडेंट है सर। जो आगे बैठते हैं वो सिर्फ उन्हीं का ही फ्यूचर देख सकते हैं, लेकिन जो पीछे बैठते हैं वो सबका फ्यूचर देखते हैं सर। आजकल किसी भी स्कूल, कॉलेज, स्पोर्ट्स फंक्शन में किसी भी बात को लेकर स्ट्राइक होती है तो धमाके से एंट्री लेने वाले लास्ट बेंच स्टूडेंट्स होते हैं सर। सर ये फर्स्ट बेंच के स्टूडेंट्स पढ़ लिखकर नौकरी करते हैं और लास्ट बेंच के स्टूडेंट्स उन्हें सैलरी देते हैं। ये फर्स्ट बेंच के स्टूडेंट्स किसी के हाथ के नीचे या कॉल सेंटर में जाकर काम करके अपना घर चलाते हैं सर, लेकिन वही लास्ट बेंच के स्टूडेंट्स सीने पर गोली खाकर भी बॉर्डर पे इस देश की रक्षा करते हैं सर। आप भी किसी टाइम फर्स्ट बेंच स्टूडेंट रहे होंगे सर, लेकिन हमारे कॉलेज का जो ट्रस्टी है जो इस कॉलेज को चला रहा है और आप सब लोगों को तनख्वाह देता है, वो भी इसी कॉलेज का, हम जैसा लास्ट बेंच स्टूडेंट है सर। तुम भी अगर भागते भागते स्लिप हो जाती तो गिर जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है और बस हुआ। देखो प्रीति, मना करने के बावजूद तुमने अपना एडमिशन शहर के कॉलेज में करवाया। तुम इसी तरह सुबह शाम ट्रेन में भागदौड़ करती रहोगी तो खाओगी कब और सोओगी कब? जब भूख लगेगी तो खाएगी, नींद आएगी तो सो जाएगी। तुम पढ़ने के लिए शहर में जा रही हो जहाँ तुम्हें सब बिगड़े हुए लड़के मिलेंगे। शर्ट में बटन नहीं रहता और पैंट कमर में नहीं रहता और सबके बाल खड़े ही रहते हैं। दिमाग में शौक लगा है तभी तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। देखिए उधर देखो, देखो। एजी, ये तो ए, तुम हमारे कृष्णा जी के लड़के रामा हो ना? Don't call me Rama, call me Ramo. हाय, ये तुम्हारा कौन सा अवतार है? तुम्हारे पिताजी खेती में गन्ना उगाते हैं और तुम सर पर ही गन्ना लिए घूम रहे हो। Style, auntie, style. Bye. देख लिया शहर में जाकर किस तरह बदल गया है ये। ठीक है माँ, ट्रेन आ गई है। प्रीति, सब याद है ना? किसी लड़के से दोस्ती मत करना, वो लोग तुम्हें देखे तो देखना मत, तुमसे बात करे तो बात भी मत करना, हंसे तो बिल्कुल मत हंसना और पास तो बिल्कुल मत बैठने देना। ये आजकल के लड़के घोड़े की तरह होते हैं, बिल्कुल बेलगाम, कितनी भी कोशिश करो काबू में नहीं आते, समझ गई ना? ठीक है माँ, ओके बाय 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 पापा बाय बाय। मैंने जो भी कहा है सब याद रखना। ठीक है, बाय 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 बेटा।